हम लोग मैं शॉप में आ चुकी हूँ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। शॉप में आई हूँ लेकिन ना यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया है कि लाइट है नहीं। आते आते लाइट ही नहीं है। मैं बुरा हाल हो गया है कि पसीना पसीना हो गया। थोड़ी देर भी अंदर रहने में इतने मुश्किल हो गए। सुबह सुबह इतना उमस हो रहा है कि बाहर इतना धूप नहीं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट नहीं है। इतना पसीना पसीना हो रहा है, अब जीना ही मुश्किल हो जाता है। कब तक लाइट आएगा पता नहीं। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ऐसे ही रहना पड़ेगा एक डेढ़ बजे तक। मुझे देखते हैं उससे पहले लाइट आएगा या नहीं आएगा, नहीं तो मैं बाहर बाहर बैठना पड़ेगा। इतनी गर्मी है, अंदर तो बैठा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे सारा सामान लेके आई हूँ ना मैंने घर से, यहाँ पे रखा है सामान। ये वाला सामान मैं इसको बाद में लगाऊंगी जब लाइट आएगी तब तसल्ली से लगाऊंगी। अभी लगाऊंगी नहीं, ऐसे इतना गर्मी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा खाली हो गया था ना पूरा, हमने ये टेडी बियर सारा भर दिया। देखो पहले खाली था, अभी पूरा टनाटन भर गया। क्या बात है? देखो ऊपर ऊपर बड़े बड़े, नीचे उस मीडियम, उससे छोटे कर करके हमने ये वाला भर दिया है। और इधर साइड भी हमने थोड़ा बहुत क्राफ्ट हैंगिंग, वॉल हैंगिंग क्राफ्ट भी भर दिया है। और फ्लावर हमने यहाँ पे लगा दिया है। पहले उधर आगे वाला रैक में लगाया था, तो अभी हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है कि यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ये फ्लावर के लिए। और यहाँ पे कुछ सामान था यहाँ पे, तो उसको मैं बाद में लगाऊंगी, इतनी गर्मी हो रही है ना। तो ये पूरा भर गया है सामान, और भी लेके आना है, बहुत सारे सामान लेके आना है। हमें दीवार वॉच लेके आना है, हैंड वॉच लेके आना है, बहुत सारे सामान आएगा, आपको दिखाएंगे हम लोग उसका वीडियो बना के। और देखेंगे क्या क्या सामान आएगा, और भी बहुत सारा सामान का वैरायटी बहुत सारा होती है, हमें भी पता नहीं होती, बहुत सारा वैरायटी होती है। तो इतनी गर्मी है, अंदर बैठा नहीं जा रहा है। बाप रे बाप, फाइनली लाइट तो आ गई। अब मैं ना जो सामान लेके आई थी उसको सेट कर देती हूँ। ये वाला सामान लेके आई थी, ये वाला, तो यहाँ पे जगह खाली है तो मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। और ये वाला, मुझे ये वाला गणेश जी का है क्योंकि एक पीस यहाँ पे रखा है हमने, तो एक पीस इसके पीछे और रख देते हैं, तो ज़्यादा दो तीन पीस एक्स्ट्रा रख देते हैं इसके पीछे। तो इसको मुझे इसके पीछे रखना है, ये वाला गणेश जी। तो इसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, ये इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ पे है, इसी का है गणेश जी का, ये वाला तो गणेश जी का है। और ये सारा एक ही डिज़ाइन का है, तो मैंने इसको ना इसके पीछे लगा देती हूँ, और जब चाहिए वो तब निकाल लेंगे। तो ये सारा सामान सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम से बैठूँगी। लाइट आई है, फैन के नीचे बैठूँगी, और पसीना से तो कपड़े तो भीग गया है पूरा। यहाँ पे ये रिबन है ना फैला हुआ था, तो मैंने इसको समेट रही हूँ कि, तो इसको मैं रिबन जब तक लगा के रख लूँगी, इधर उधर फैल रहा है सारा नेम स्लिप रिबन वगैरह। तो इधर उधर फैला के नहीं लगा कर लगा दूंगी ना मैं, तो इसको यहाँ पर फैल नहीं रखा दे। और इसको भी मैं समय देती हूँ, मैं अलग थैला में रख लेती हूँ कि नेम स्लिप फ्लावर एक जगह पे मिल जाती है। तो मैं शॉप से आने के बाद ये लस्सी तैयार कर लिया है, ये सबके लिए लस्सी एक एक गिलास बना दिया है मैंने। इसमें नमक डाल के बनाई हूँ, अच्छा लगता है मुझे ना नमक डाल के। तो सबके लिए मैं लेके जा रही हूँ। नीतू रीता पढ़ाई कर रही है, नीतू रीता लो लस्सी, नीतू रीता पढ़ाई कर रही है, लो एक गिलास ले लो लस्सी जी। अभी मम्मी के पास टाइम है, मुझे खाना भी बनाना है। कोई मैंने जब पापा बना देंगे तब दे देंगे, अब मैंने एक नमक डाला है, टेस्टी होती है। लो एक गिलास,
मैं भी पी लेती, इतनी गर्मी है ना बाहर। आज अच्छे तीर्थ के दिन सब लोग पानी बांट रहे बाहर, हमारे बगल में, दुकान के बगल में। हाँ, खीर भी पता नहीं खीर है क्या है, मैंने देखा नहीं। और पानी अब जब पानी तो मैं जा रही हूँ, अब जो बचा हुआ लस्सी मैं पी लूंगी, नहीं तो दीदा पिएगी। हाँ। बचा हुआ आजा फिर, अब तुम आओ मैं पी लेंगे। आजा आजा, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। आजा आजा, मुझे खाना भी बनाना है आज, आज मतलब जल्दी बनाना है। आजा आजा, थोड़ा सा पी लो। आजा ना बेटा आजा। आज मुझे ना कोफ्ता बनाना है घिया का। कोफ्ता बना लो तो दीता, या लौकी की सब्जी बनाओ या कोफ्ता बनाओ, जो बनाने बना लो। कोफ्ता बना दे दूसरी, नीतू को पसंद है ना कोफ्ता। यहाँ पे मैंने टमाटर, दो टमाटर और एक प्याज का ये प्योरी बना लिया है। यहाँ पे चावल बैठा दिया है, मैंने छील लिया है। और इसको मैं ना कद्दूकस कर देती हूँ, उसके बाद मुझे ये कढ़ाई में ना पकौड़ी बनाना है। यहाँ पे पकौड़ी बनाने के लिए मैंने गरम तेल गरम हो गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा पकौड़ी बना लेती हूँ पहले कोफ्ता बनाने के लिए। तो मैं गैस की फ्लेम मैंने कम रखी है क्योंकि ज़्यादा गरम हो गया है, इसको मैं पलट देती हूँ। ज़्यादा पकाना नहीं है मुझे ना, हल्का ही पकाना है इसको। तो यहाँ पे बन रहा है दूसरा यार, एक चाहिए, इतनी गर्मी में ज़्यादा पकौड़ी नहीं खानी चाहिए, एक खा लो ठीक है। कम बनाई हूँ मैं पकौड़ी, और जब अभी कोफ्ता बनाऊँगी तो खा लेना। यहाँ पे मैं इसको भी निकाल दूँगी, तो नीचे मैं प्याज कट करने के लिए रखा है। यहाँ पे हमारा कोफ्ता बन के रेडी हो गया है, देखो कितना अच्छा स्वादिष्ट है। यहाँ पे मैंने चावल पहले परोस लिया है तीन जने के लिए, और यहाँ पे मैं सब्जी रख देती हूँ। चटनी नीतू दीदी खाएगी नहीं, उसमें मैंने मिर्ची डाला है। हाँ, नीत हस्बैंड के लिए तीन पकौड़े वाला रस ज़्यादा डाल देती हूँ। चावल के साथ खाना है तो मुझे रस ज़्यादा लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा सबको। तो ये पापा के लिए नीतू दीदी, ठीक है ये पापा के लिए पापा। ये हटो हटो, ये लस्सी हटा ना, ये पापा के लिए ये दोनों, और नीतू के लिए। अच्छा ये तो मेरा है, मेरा ये पापा के लिए, ये पापा के लिए हस्बैंड के लिए, और नीतू के लिए मैं निकाल रही हूँ। कितना पकौड़ी खाएगी नीतू दीदी? पाँच। पाँच तो नहीं है, दो पकौड़ी मिलेगा। पापा को तीन दिया। हाँ ये, और ये ये सलाद भी लेके जाओ उधर, सलाद ले मत खाओ, सलाद लेके जाओ। तो ये मैं लेके जा रही हूँ खाना, अब हम लोग खाना खाएंगे। यही हमारा खाना, लंच बनाया है मैंने आज सारा। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद नीतू को काम, नीतू का जो प्रैक्टिकल काम मिला था ना, मैंने सुबह आधा काम करके गई थी शॉप में, तो आधा काम करना बाकी था। अच्छा नए फेविकॉल लेके आई हूँ, छोटा वाला ले ले बाबू, ये बड़ा वाला रख दो, पापा को काम आ जाएगा। तो इसको कम्प्लीट करना है, और थोड़ा तो मैंने खाना खा के जस्ट अभी खाना हम लोगों ने खा लिया है, तो इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो नहीं तो ये कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे नहीं तो दीदा कल फिर डांटेगी ना। हाँ डांटती है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो इसको जैसे भी किसी भी हालत में इसको आज मुझे कंप्लीट करना है। ये वाला मत निकाल बाबू, ये बाप रे क्या था, बंद कर दो, बंद कर, बंद करो, इसका ढक्कन लगा दो, ये वाला ढक्कन लगा दो, ये वाला ये। हाँ अब मत निकालना, पहले ये बंद करो अच्छे से, देख हाथ में भी लग गया। हाँ कोई बात नहीं, ये अच्छे से बंद करो, अच्छे से बंद कर दिया। हाँ तो हो गया। तो ये माचिस स्टिक लेके आई हूँ यहाँ पे, और लाल वाला दाल कहाँ गया, लाल वाला इसमें रखो कटोरी में, यही पे तो, यही तो यहाँ है पे निकालो। तो हम दोनों मिलके यहाँ पे कर रहे हैं, नीतू दीदी मुझे देगी, मैं यहाँ पे चिपका दूंगी फेविकॉल लगा के। नीतू का ना ये फेविकॉल लगा रही हूँ पहले,
बेबी को नहीं दाल चिपका रहे तो दाल चिपका रही ऐसे अच्छा लग रहा है था हाँ मैंने पूरा गद्दा कर दिया था तो देखो यहाँ पर दाल रखा है हमने और यहाँ पर इसके बाद इसके टिल्ले से हम सीधा भी कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं देखो यहाँ पर लगाया है यहाँ पर रखा है फेविकॉल और यहाँ पर काला और लाल दाल है तो देखिए मम्मी मम्मी कितनी मैंने अच्छे से करे आधा मम्मी ने कंप्लीट कर दिया था आधा करेंगे जहाँ जहाँ मैंने अच्छे से किया वहाँ वहाँ तो करने की ज़रूरत नहीं है देखो ऐसे दिख रहा है हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना हाँ आँख पे ना मैं मम्मी ने तो पूरा कर दिया था मतलब एक दाना लगाना है आँख पे तो तब मम्मी को समझ है तो ऐसे ऐसे हाँ एक एक करके लगा देते हैं बेबी हेल्प करो हाँ काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे फाइनल लुक आ गया है देखो कौन सा ये जानवर है अच्छा बैट हाँ बैट यहाँ पे बैट का नित्य दिता ये पैर बना रही है यहाँ पे हो गया ओ देखो फाइनल लुक वाव कितना अच्छा हो गया ना पापा को दिखाऊंगा दिखाएंगे पहले यहाँ तो कितना अच्छा देखो तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है बीच में हमने रेड दाल या मसूर का दाल और इसके आउटलाइन में हमने काला दाल उड़द का दाल पर नहीं लगाना है सही है और ये का नाम क्या है लाल दाल का नाम क्या है मसूर का दाल है ये काला दाल किसको बोलते हैं उड़द का दाल ऐसे बनाना नहीं इसका नाम भी याद करना होता है ये लाल वाला दाल है मसूर का दाल और ये काला दाल है उड़द का दाल पता हो गया ना इसका नाम भी याद पता हो गया तो हाँ तो सीधा करके दिखा लो हो गया चिपक गया अब चिपक जाएगा कुछ नहीं हो तो दिखा तो हम ये काम भी कम्प्लीट हो गया नित्य दिता का तो अब कल स्कूल में जाके दिखाएंगे तो दिखाएगी तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं तक था अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बाय बाय टेक केयर थैंक यू मत करना हर बार मुझे ऐसे करती है